हाय एवरीवन दिस इज वनिका आज हम बात करने वाले हैं मालवा ट्री निम्फ की जिसको रिसेंटली स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है गोवा की देखिए निम्फ हम किसी भी इनवोटी के यंगर स्टेज को निम्फ कहते हैं तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टू क्या वी कैन मेक्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल ही मिलेगा अब देखिए मालाबार ट्रीनिम्स जो है ये एक स्पीशीज़ है वाइट बटरफ्लाई की ठीक है वाइट बटरफ्लाई की एक तरह की स्पीशीज़ है और इसके ऊपर इस तरह से व्हाइट बटरफ्लाई और ब्लैक कलर के ये मार्किंग्स आप इसके ऊपर देख सकते हैं प्लस ये एंडेमिक है एंडेमिक वर्ड हम उन एनिमल्स बर्ड्स या इंसेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन में ही पाए जाते हैं तो ये एंडेमिक किस जगह के हैं वेस्टर्न घाट्स कि आपको वेस्टर्न घाट में ही ये बटरफ्लाई सिर्फ मिलेगी और इसको स्टेट बटरफ्लाई गोवा की घोषित किया गया है बहुत सारी और स्टेट्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में स्टेट बटरफ्लाई घोषित की है आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वरना आगे मैं आपको बताऊँगी प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं गोवा की मालाबार ट्री नेम्स को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है अनाउंसमेंट कौन करता है इसकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है किसी स्टेट का वो इस चीज़ को घोषित करता है यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने घोषित किया है चीफ मिनिस्टर की प्रेजेंस में और यहाँ पे इनागोरल फंक्शन था फिफ्थ एडिशन ऑफ बर्ड फेस्टिवल गोवा में वहाँ पे ये स्टेट बटरफ्लाई इन्होंने घोषित की गई है अब मालाबार ट्री नेम्स के बारे में जानते हैं तो इसकी शक्ल तो आप समझ गए देखने में वाइट और ब्लैक मार्किंग्स हैं इस पर साइंटिफिक नेम है आइडिया मालाबारिक का मालाबार ट्री निम्फ काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई uh, है ये तितली है इसका विंग्स पैन जब आप पूरा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 120 ट्वेंटी टू वन फिफ्टी तक रहता है मोस्टली तो आपको वाइट कलर विद ब्लैक मार्किंग्स ही ये नज़र आएगी और डेनियाड ग्रुप जो है फैमिली निम्फालिडे का उससे ये बिलोंग करती है ये आपकी क्लासिफिकेशन है इसका आइडेंटिटी कार्ड है कहाँ की है ये आपको बता दिया वेस्टर्न घाट स्मॉल ग्रुप्स में ये आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी जहाँ पे छोटे छोटे पानी के स्ट्रीम्स जा रहे होते हैं पाथवेज होते हैं वहां पे आपको नजर आएगी सदर्न महाराष्ट्र में भी मिलेगी मेनली जो स्वैंप वेजिटेशन रहती है वहाँ पे ये मिलती है और इसका अगर आप स्टेटस देखेंगे तो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आयू लिस्ट में आती है यूजुअली हम किसी ऐसे एनिमल इंसेक्ट बटरफ्लाई को यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इस तरह का स्टेटस देखते हैं जो आयु लिस्ट में आप देखेंगे ये उनका पॉपुलेशन स्टेटस कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है उसकी प्रोटेक्शन कंजर्वेशन इंक्रीज करने के लिए ये स्टेप्स हम लेते हैं और ऑब्वियसली उस जगह से वो यूनिक है अवेयरनेस के लिए भी लोगों को हम इस तरह की चीज़ें घोषित करते हैं अब ये कहाँ पे मिली इट इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट क्लियरिंग्स एंड अब द फॉरेस्ट कैनोपी तो दो जगह जहाँ पे आपको क्लियर फॉरेस्ट नज़र आएंगे या फॉरेस्ट कैनोपी नजर आएगी वहां पे ये बटरफ्लाई पाई जाती है काफ़ी देर तक ये उड़ती भी है ट्रीज़ के ऊपर ग्लाइड करती है कभी कभी सडनली स्टॉप भी कर लेती है तो बहुत यू नो स्विफ्ट है ये फ्लाइंग में स्विफ्ट यानी इतनी फास्ट नहीं है बट आप कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रॉग फ्लाइट है बट अदरवाइज देखेंगे तो धीरे धीरे उड़ती है स्लो फ्लाइट इसकी रहती है थोड़ा फ्लटरी रहता है इसका उड़ना और बहुत ज़्यादा ग्लाइड भी करती है इसलिए इसको एक और नाम दिया गया है पेपर काइट इसको पेपर काइट भी कहा जाता है इसकी फ्लाइट की वजह से क्योंकि ग्लाइड करती है ट्री कैनोपी के ऊपर कभी आपको फॉरेस्ट में नीचे नीचे कैनोपी के ऊपर नजर में आएगी लोअर लो डाउन जो फॉरेस्ट में वहाँ पे नज़र आएगी इसलिए इसको पेपर काइट का भी नाम दिया गया है इससे पहले चार स्पीशीज और थी कमांडर क्लिपर कॉमन जेजेबल ब्लू ओकलिफ स्टेट बटरफ्लाई की लिस्ट में ये भी थी कि इनमें से भी ये कंटेंडर्स क्योंकि जब भी आप ऐसे नहीं है कि एकदम से किसी को भी घोषित कर देंगे कोई ना कोई आपकी लिस्ट में नाम रहेंगे नॉमिनेशन रहेंगे तो ये इसके कंटेंडर्स थे और जो जिनके साथ फाइट करके फाइनली मालाबार बटरफ्लाई जो है इसको स्टेट बटरफ्लाई बनाया गया अब आपसे मैंने सवाल पूछा था और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया तो देखिए महाराष्ट्र में ब्लू मॉर्मोन उत्तराखंड में कॉमन पिकॉक तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कर्नाटका में सदर्न बर्ड विंग्स केरला मालाबार बैंडेड पिकॉक तमिलनाडु में तमिल यू मैन अरुणाचल प्रदेश में केसरी हिंद इस पर रिसेंटली वीडियो भी बनाई है इनमें भी मुझे याद है कि किसी ना किसी पे पीछे भी हमने वीडियोस बनाई हैं और बाकी की सेवन स्टेट्स अदर सेवन स्टेट्स टू हैव बटरफ्लाई चलो उनको देखते हैं कब आएंगे लेकिन अभी ये जो बटरफ्लाईज हैं इन एरियाज में घोषित की गई इनके नाम आपको आने चाहिए देखिए अरुणाचल की हमने केसरी हिंद पे डिस्कशन किया था अब स्टेट सिंबल्स गोवा की बात करें क्योंकि हम गोवा की स्टेट बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं तो ऐसे टॉपिक आपका ये यहीं पे खत्म होता है बट हम गोवा के बाकी स्टेट सिंबल्स को भी आज डिस्कस कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं स्टेट एनिमल कौन है द गौर इसको इंडियन बाइसन के रूप में हम रिकॉग्नाइज करते हैं बोवाइन है साउथ साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है और इसको वॉलरेबल रखा गया है आई रेड लिस्ट में और वर्ल्ड में इसका पॉपुलेशन आप देखेंगे एक टाइम पे ट्वेंटी वन थाउजेंड मेच्योर एडल्ट इसके काउंट किए गए हैं और काफ़ी बड़ी स्पीशीज़ है ये वाइल्ड uh, कैटल के बीच में आप अलग अलग वाइल्ड कैटल की स्पीशीज़ देखती हैं बोवाइन स्पीशीज़ uh, जो होती हैं उनको आप देखते हैं और डोमेस्टिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ गौर इज रेफर टू एज गायल अब जिस गौर को लोग घर में पालते हैं उसको गायल कहा जाता है बॉस फ्रंटालिस और मिथुन भी कहा जाता है अरुणाचल में पहले स्टेट एनिमल मिथुन था वहाँ का राइट तो ये गोवा का स्टेट एनिमल है स्टेट ट्री क्या है टर्मिनालिया एलिप्टिका इंडियन लॉरल कहा जाता है इसको स्टेट ट्री है ये गोवा का और इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है माती असना साज क्रोकोडाइल बाग ट्री फ्रूट इसका अगर आप देखेंगे ऐसे ओविड गोल सा फ्रूट रहता है तीन सेंटीमीटर तक और फाइव विंग्स नो लॉन्गर एक्सटेंडिंग पास द फ्रूट अपेक्स ये इसके जो ट्री है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है अब इसके लीव्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं किसके लिए सिंक सिल्क वर्म्स को फीड करने के लिए क्योंकि सिल्क वर्म्स आप जानते हैं जहाँ से हम सिल्क ऑप्टेन करते हैं तस्सर सिल्क स्के सिल, सिल्क वो इस पर बहुत ज़्यादा फीड करते हैं तो ये भी एक अलग बिजनेस इस स्टेट ट्री का चलता है जो स्टेम है इंडियन लॉरल की वाटर स्टोरिंग फंक्शनैलिटी है उसकी ड्राई सीजन के लिए पानी बहुत ज़्यादा स्टोर करता है और रेगुलरली टैप किया जाता है इसको और इसको पोर्टेबल वाटर समर सीजन में वुडलैंड जो लोग थे वो इसको इस तरीके से यूज करते थे वाटर स्टोरिंग फंक्शनैलिटी इसकी स्टेम की रहती है तो उसमें पानी स्टोर करते हैं लोग ड्राई सीजन के लिए स्टेट बर्ड क्या है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल रूबी गुला ये ऑफिशियल स्टेट बर्ड है गोवा का ये स्पीशीज एक सॉन्ग बर्ड है इसकी जो आवाज़ है आपको ऐसे लगेगा गाना गा रही है बुलबुल फैमिली -बुल से है एंडमिक है सर्दर्न पेनसुलर इंडिया का और स्क्रब हैबिटेट्स में पाया जाता है रॉकी हिल्स में तो यहाँ पे हमने ये गोवा के अलग अलग बाकी के मार्क्स पड़े कहाँ पे पाए जाते हैं क्या नाम है यूजली आप नाम भी याद रख लें तो इट्स वेरी नाइस वॉट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है कौन कनी बास्तक इंग्लिश मराठी तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए पोल में दैट विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर योर अप्रोचिंग एग्जाम्स बाकी फॉर कोर्सेज यू कैन विजिट वेबसाइट आर वेबसाइट एंड और यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन प्लस देर लॉट ऑफ कोर्सेजेज आर अवेलेबल ऑन ई एम आई सो दिस विल भी वेरी हेल्पफुलॉर द पीपल हु डोट वॉन्ट टू पे एट वांस सो इफ यू नीड एन इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल आर आर नंबर्स टू टेक फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज कोर्सेज थैंक यू सो मच